इलेक्शन कमीशन में इंतरदारियों पर समात जारी है नवाज शरीफ सहरा के पंद्रह मंदरा के नतीजे का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तार मुस्तरद कर दी गई इन्हें दो सौ तैंतीस कराची से जीतने वाले उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी करने से भी रोक दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि धांधली के इल्जाम लगाने वाले सबूत भी पेश करें इलेक्शन कमीशन में इंतरदारियों पर समाप्त जारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में दो रुकनी बेंच समाप्त कर रहा है समाप्त के दौरान नवाज शरीफ के वकील ताखीर से पहुंचे नवाज शरीफ के वकील के ताखीर से पहुंचने पर इनकी तरफ से नतीजे का नोटिफिकेशन रोकने की सजा मुस्तरद कर दी गयी इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ के वकील को हदायत की के वो दोबारा दरख्वास्त दायर करें एन ए छप्पन और सत्तावन ऐसी मुतलिक रिटर्निंग अफसरों ने रिपोर्ट जमा करवा दी इलेक्शन कमीशन ने आजाद उम्मीदवारों शहरियाल रियाज सिमाबिया ताहिर की दरखास्तें काबिल समात करार दे दी आइंदा समात पर कामयाब उम्मीदवारों और रिटर्निंग अफसरों को जाती हैसियत में तलब कर लिया जबकि एन ए पचपन रावल पिंडी ऐसी बिशारत राजा और पी पी बत्तीस गुजरात से परवेज इलाही की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है की इलेक्शन कमीशन ने मीडिया रिपोर्ट की बुनियाद आरोप तो फैसले नहीं दे और नतज रद्दबदल के इल्जाम लगाने वाले सबूत भी पेश करें इलेक्शन कमीशन ने एन ए दो सौ चौतीस कराची केस में आरो को नोटिस जारी करते हुए समात इक्कीस फरवरी जबकि एन ए चौसठ गुजरात ऐसी कैसरा इलाही की दरखास्त आरोप समात जुमे तक मुलतवी कर दी जबकि एन ए एक सौ छब्बीस और एन ए एक सौ सत्ताईस लाहौर ऐसी मुतालिक दरखास्तों आरोप समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गयी